कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का थर्ड पार्ट। पहले हमने बैक्टीरिया के सेकंड पार्ट में हमने बैक्टीरिया के इंटरनल और एक्सटर्नल वीडियो देख ली थी, आपने देखी होगी। आपको जो भी प्रॉब्लम आई होंगी आप उस पर कमेंट की होंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। आज हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायर होते हैं। जैसे हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग थिंग्स, उन्हें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए, ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, द मेजर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रोब्स आर वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, पीएच, टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं बैक्टीरिया के, वो जैसे होते हैं वाटर, पानी, ऑक्सीजन, O2, हाइड्रोजन, कार्बन, H2O हमें वाटर में उपयोग होता है, ऑक्सीजन O2 में, हाइड्रोजन कार्बन यूज़ होती हैं, सल्फर्स यूज़ होती हैं, फॉस्फोरस यूज़ होती हैं, pHO यूज़ होता है। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो बैक्टीरिया को ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होती हैं। अब सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या होता है बैक्टीरिया में। ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, रिक्वायर सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको एनर्जी का सोर्स होता है, रिक्वायर होती है। जैसे फोटो ऑटोटॉप्स टेक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर फूड सिंथेसिस, फूड को सिंथेसिस करने के लिए सनलाइट से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कीमोटॉप्स क्या कहते हैं, डिपेंड ऑन द केमिकल कंपाउंड गेट एनर्जी। जो कीमोटॉप्स होते हैं वो केमिकल पे डिपेंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड पे डिपेंड होते हैं टू एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल ये क्या है, इन रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट करने के लिए फेरस इज अ कन्वर्ट इनटू फेरिक आयंस। जो फेरस होता है वो कन्वर्ट होता है फेरिक आयंस में एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज करता है। सो डेट एनर्जी इज यूज्ड बाय द बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज फूड, जिससे कि एनर्जी यूज होती है और बैक्टीरिया सिंथेसाइज करती है फूड का। वाटर का क्या उपयोग है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स वाटर, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की रिक्वायर होती है। इन बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्ट्स इनटू एक्वस सॉल्यूशन। जो वाटर होता है वो हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करने में एक्वस सॉल्यूशन में, बिफोर दे इंटर द सेल्स, जब वो सेल के अंदर इंटर करते हैं। सेकेंड में क्या, ऑक्सीजन किसके लिए होती है, मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ सेल मटेरियल रिक्वायर्ड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बायोकेमिकल कंपाउंड। जितने भी मेज जो कंस्टिट्यूंट ऑफ सेल मटेरियल होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्ड करते हैं बायोकेमिकल कंपाउंड में। सल्फर का क्या यूज है, सल्फर इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स, एग्जाम्पल निथोनिन, सिस्टीन, HTC। जो सल्फर होती है वो नीड होती है, किसके लिए नीड होती है, इसके सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड के लिए उसकी नीड होती है। जैसे कि निथोथीन है, निथोनिन और साइटोसिन ATC। फॉस्फोरस किस्म, फॉस्फोरस का क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फोलिपिड्स। इसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, ETC। नाइट्रोजन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड नाइट्रोजन फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल कंपोनेंट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको रिक्वायर होती है नाइट्रोजन, किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ सेल कंपोनेंट्स लाइक अमीनो एसिड, प्यूरीन्स, पिरामिडीन्स, लिपिड्स, ETC। हाइड्रोजन का क्या है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आर मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं और मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन का स्केलेटन बैकबोन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स फ्रॉम विच द ऑर्गेनिज्म इज बिल्ट। जो स्केलेटन और बैकबोन है वो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स फ्रॉम विच द ऑर्गेनिज्म बिल्ट, जो बिल्ट बनाते हैं। टेम्परेचर का मेजर इन्वायरमेंट फैक्टर कंट्रोलिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो कंट्रोल करता है टेम्परेचर। pH क्या कहता है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज अ pH रेंज। सारे ऑर्गेनिज्म्स की एक रेंज होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं pH रेंज। मेनी बैक्टीरिया बेस्ट ग्रोथ इन pH, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो बेस्ट ग्रोथ में pH कहते हैं। pH उनकी रेंज होती है 5.5 से लेके 7.5 तक। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फॉर सर्वाइव जीने के लिए एंड ग्रोथ, ग्रोथिंग करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेफर ऑस्मोटिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या प्रेफर करते हैं, ऑस्मोटिक, ठीक है। टेम्परेचर, अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे, टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट का इसका, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन एंड डेथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट, यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है द रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के रेट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन, कितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड करती है, डेथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या, हाई टेम्परेचर डैमेज माइक्रोब्स बाय डिनोटरिंग एंजाइम्स। हाई टेम्परेचर डैमेज करता है माइक्रोब्स को डिनोटरिंग एंजाइम्स। थर्ड पॉइंट क्या, एट वेरी लो टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है, मेम्ब्रेन्स आल्सो सॉलिडिफाई एंड एंजाइम्स आल्सो डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली।
कोई भी एंजाइम्स अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है। ये इसका ग्राफ दिया गया, आप ग्राफ को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ से देखिए, 0 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक साइको प्रोफाइल हो दिया, ठीक है। फिर 20 से लेकर 40 तक मीसोफाइल हो दिया, फिर क्या 40 से लेकर 90 तक थर्मोफाइल्स हो दिया, ठीक है। ये होता है इसका एक टेम्परेचर, ये है एक ग्राफ है, ठीक है, टेम्परेचर का। फिर क्या है पीएच, ठीक है, पीएच का ग्राफ क्या है, द पीएच इज मोस्ट इसेंशियल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पीएच होती है मोस्ट मोस्ट इसेंशियल होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द माइक्रोबियल ग्रोथ इज स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड बाई पीएच ऑफ द मीडियम। जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड होती है बाई पीएच ऑफ द मीडियम से। ये इसका ग्राफ इसमें दिया गया है। बेसिक क्या है इसमें 14-13 एक्सटर्मी एल्कोफाइल से अगर नीचे से पढ़े तो, अगर ऊपर से एसिडिक न्यूट्रल और बेसिक। एसिडिक में क्या होगा पीएच में, जो 0 से लेके 1 तक होगा एक्सट्रीम एसिडोफिल्स होगा, ठीक है। 2 से लेके 5 तक क्या होगा एसिडोफिल्स हो गया, 6 से लेके 8 तक होगा न्यूट्रोफाइल्स हो गया, 9-12 तक होगा एल्कोफाइल्स हो गया, और 13-14 का एक्सट्रीम एक्लोफाइल्स। इसमें क्या है एक्सट्रीम एसिडोफाइल मतलब कि कब क्या कितने एसिडिक का यूज होता है। वाटर का क्या, वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन विच मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व। वाटर इज सॉल्वेंट होता है जो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होता है। बैक्टीरिया सेल्स कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ वाटर। जो बैक्टीरिया सेल्स होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं 80% ऑफ वाटर की। लाइट का क्या है, फोटोटॉप्स बैक्टीरिया यूजली टेक और रिक्वायर्स लाइट सोर्स ऑफ फॉर सर्वाइवल। सारी ऑल ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं जहाँ लिविंग हो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सनलाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है अपने सर्वाइव करने के लिए। जब वो ह्यूमन बींग्स हों या फिर एनिमल्स हों या एनीवन कोई भी बैक्टीरिया हो, उसे सर्वाइव करने के लिए लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे, क्या हमारा कल्चर मीडिया, क्या कल्चर मीडिया, रॉ मटेरियल्स यूज फॉर कल्चर मीडिया। जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं कल्चर मीडिया के लिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है, अ कल्चर मीडिया इज अ स्पेशल मीडियम यूज इन बायोलॉजिकल कार्बोट्रीज टू ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या, तो कल्चर मीडिया स्पेशल मीडियम है जो यूज होती है बायोलॉजिकल कार्बोट्रीज टू ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। सेकंड पॉइंट क्या, कल्चर मीडिया कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर्स नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। क्या, कल्चर मीडिया कंटेंस क्या कंटेंस करती है, न्यूट्रिएंट्स एंड फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। क्या कंटेन करती है, न्यूट्रिएंट्स एंड फिजिकल ग्रोथ ग्रोथ पैरामीटर्स जो नेसेसरी होता है फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। सेकंड क्या, इसमें रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक कल्चर मीडिया। जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो यूज होते हैं कल्चर मीडिया को बनाने में, जैसे कि वाटर हो गया, पेप्टोन हो गया, इनऑर्गेनिक साल्ट हो गए। इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं, वाटर बी यूज डिस्टिल्ड वाटर बिकॉज नॉर्मल टैप वाटर हैज ऑलरेडी माइक्रोब्स। हम डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करते हैं क्योंकि जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो ऑलरेडी माइक्रोब्स में होता है। यूज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट होता है हम इसका यूज़ करते हैं डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स के लिए। पेप्टोन का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ पार्सली डाइजेस्टेड प्रोटीन। जो कॉम्प्लेक्स मिक्सर होता है पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है पेप्टोन से। दे मेनली सप्लाई नाइट्रोजन मटेरियल्स एंड ऑल्सो एक्ट एज अ बफर। ये बफर की तरह भी काम करते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स का क्या है, फॉस्फेट्स पोटेशियम मैग्नीशियम ईटीसी। जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं कौन कौन से हैं, फॉस्फेट हैं, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। अब हमारा ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट में पहला पॉइंट क्या है, इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ये क्या कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं, अमीनो एसिड कंटेन करते हैं, ग्रोथ फैक्टर कंटेन करते हैं। मेनली यूज है सोर्स ऑफ विटामिन, किसका, इसका मतलब जो मेनली यूज है वो किसका है, विटामिन का यूज है। अगार क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम सी वीड्स गैलीडियम। जो लॉन्ग चेन होती है पॉलीसेकेराइड्स की जो ऑब्टेन करता है सी वीड्स, जैसे कि गैलीडियम, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, कंटेन Ca2+ कैल्शियम, ठीक है, ऑयल मैग्नीशियम फेरिको, ठीक है, या फी ईटीसी। थर्ड पॉइंट, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड मीडिया, किसके लिए यूज होता है, प्रिपरेशन सॉलिड मीडिया के लिए यूज होता है। टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, कितने टाइप्स की होती है कल्चर मीडिया, बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी, जो इनके कंसिस्टेंसी पर बेस्ड पे क्या है, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम क्या है, इट कंटेन 2% ऑफ अगार। ये कितने परसेंट अगार कंटेन करती है, 2%। जो क्या, किसमें वर्क करता है, वर्क है सॉलिबिलिटी टू द कल्चर मीडिया, सॉलिडिटी द कल्चर मीडिया। अगार किसके लिए वर्क करता है, सॉलिडिटी द कल्चर मीडिया के लिए। सेकंड पॉइंट, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, पिगमेंटेशन, हिमोलाइसिस कैन बी अप्रिशिएटेड एंड स्टडी। जो कॉलोनी है, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, पिगमेंटेशन, हिमोलाइसिस कैन बी अप्रिशिएट, क्या अप्रिशिएट करते हैं, स्टडी को।
ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रिएंट अगार यूजली ग्रोथ इन माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो न्यूट्रिएंट अगार है वो यूजली ग्रो हो जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे कि फंजाई। लिक्विड मीडिया क्या है, नो होगा, इसमें अगार का यूज नहीं होता है, बट ऑल न्यूट्रिएंट्स इज प्रेजेंट एंड डिजोल्व इन वाटर, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सारे प्रेजेंट होते हैं वाटर में और डिजोल्व भी वाटर में होता है। हेल्प्स टू मेक प्योर कल्चर ऑफ मीडिया लाइक ब्लड कल्चर, जितने भी प्योर कल्चर मीडिया जो हेल्प करते हैं मीडिया लाइक ब्लड कल्चर, एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ। थर्ड क्या, सेमी सॉलिड मीडिया, 0.5% अगार होता है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन और मोलिडिटी ऑफ मीडियम, तो ट्रांसपोर्टेशन और मोलिडिटी मीडियम होता है। वेस्ट ऑन द कंस्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट्स, कितने क्या होता है कंस्टिट्यूएंसी और वेस्ट ऑन द कंस्टिट्यूएंट्स इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इसमें क्या, सिंपल मीडिया, सिंपल मीडिया में क्या है, बेसिक मीडिया कल्चर। सेकंड पॉइंट का, ऑल टाइप्स बैक्टीरिया सुटेबल टू ग्रो, जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं सारे सुटेबल होते हैं ग्रो के लिए, जैसे एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स बोथ, न्यूट्रिएंट्स अगार, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स बोथ में क्या, कंसिस्ट ऑफ पेप्टोन यानी सीएल, मीट एक्सट्रैक्ट, वाटर, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स अगार में क्या, फॉर्म बाय एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोथ प्लस 2% अगार, ठीक है, इसमें 2% अगार होता है, ठीक है। अब सेकंड में कहते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या, इन सिंपल मीडिया बी एड कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स, सिंपल मीडियम का एड कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते हैं, इज इन सच एज ईस्ट एक्सट्रैक्ट विच कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सर ऑफ मेनी केमिकल स्पीसीज इज प्रोवाइड स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर हम आते हैं सिंथेटिक मीडिया पे, सिंथेटिक मीडिया क्या है, मीडिया प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केमिकल सब्सटेंस, मीडिया प्रिपेयर्ड करती है प्योर केमिकल सब्सटेंस, यूज फॉर स्पेशल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, स्पेशल स्टडी के लिए बैक्टीरिया जो होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी दिखाती है, सो बी यूज दे टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसलिए हम उसे यूज करते हैं टाइप्स ऑफ जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जो रिक्वायर होते हैं बैक्टीरिया को मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए। फिर इनरिच मीडिया, इनरिच मीडिया होती है, वी इनरिच द मीडिया बाय एडिंग सब्सटेंस लाइक ब्लड सीरम एग इन सिंपल मीडियम, हम सिंपल मीडियम में ब्लड सीरम एग का सब्सटेंस जितने भी उनको ऐड करते हैं, जैसे एग्जांपल ब्लड अगार जिसमें हम यूज करते हैं रॉ ब्लड में, चॉकलेट अगार जिसमें हम यूज करते हैं यूज हॉर्स सी ब्लड, जिसमें जो होते हैं हॉर्स और सी ब्लड में हम इसका चॉकलेट अगार का यूज करते हैं। फिर हमारा पॉइंट है बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया का ग्रोथ करने का कर्व कैसा है, इट इज़ अ कर्व डेट रिप्रेजेंट द डिफरेंट फेज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ, या एक कर्व है जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट फेज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या, इन दिस कर्व आर ग्रोथ प्लॉटेड बाई काउंटिंग द बैक्टीरिया इन अ कल्चर एट अ डिफिनेट टाइम इंटीरियल टू शो देयर ग्रोथ स्टेजेस, ठीक है। इसमें ये देखिए ग्राफ दिया गया हुआ है, कैसे क्या ग्राफ होता है जो प्लॉटेड किया गया काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया काउंटिंग करने के लिए कल्चर की, डिफिनेट टाइम इंटरवल क्या होता है इनमें ग्रोथ, कैसे कैसे इनकी स्टेजेस होती है, जैसे कि इधर दिया के दिया गया नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कितनी बैक्टीरिया है, इधर टाइम आवर कितना टाइम लगेगा, ये लॉग दिया लॉग अर्थम इसमें लॉग करने के लिए, जैसे कि ये यहाँ से चला, ठीक है, ऐसे पहले कॉन्स्टेंट लेवल पर चला फिर ऊपर बढ़ा, ठीक है, फिर सीधे फिर कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। ये स्टेशनरी फेज है, जो सेकंड में कांस्टेंट हुआ है, जो पहले यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये लास्ट वाला स्टेशनरी फेज, ये कांस्टेंट में हो गया, ठीक है। और फिर ये डेथ फेज जो लास्ट में, ये कौन सा है, डेथ फेज, जैसे कि इधर पहले बैक्टीरिया का बैक्टीरिया हुई, फिर उसका बैक्टीरिया ग्रोथ करी, फिर बैक्टीरिया कॉन्स्टेंट में पहुंच गई, ठीक है। ये लास्ट वाला कौन सा हो गया, डेथ फेज हो गया। लॉग फेज क्या होता है, व्हेन बैक्टीरियम इज इंट्रोड्यूस इन इनटू कल्चर मीडियम, जब बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस होती है कल्चर मीडियम में, द पीरियड ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का इनिशिएशन पीरियड होता है वो, ठीक है। सेकंड में क्या, एट दिस फेज बैक्टीरिया अडॉप्ट देमसेल्फ इन अ न्यू क्लाइमेट, जो बैक्टीरिया होती है वो अडॉप्ट होती है अपने आप में न्यू क्लाइमेट में, देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनकी उसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है इंक्रीज होती है, प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर रिप्रोडक्शन, वो अपने आपको प्रिपेयर करती है रिप्रोडक्शन के लिए, सिंथेसाइज के लिए डीएनए एंजाइम दे अदर मॉलिक्यूल्स एंड नीडेड फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए डीएनए एंजाइम अदर मॉलिक्यूल्स भी नीडेड होते हैं, ठीक है। इन दिस पेज द सेल इंक्रीज इट्स साइज बट नॉट इंक्रीज इन नंबर, इसमें क्या होता है, सेल इंक्रीज करती है बट साइज नॉट इंक्रीज, मतलब सेल तो इंक्रीज करेगी लेकिन साइज बट नॉट साइज इन इंक्रीज नंबर, मतलब जो इनका नंबर में इंक्रीज नहीं करेंगे। लॉगरिथम क्या होता है, लॉग फेज, इन लॉग फेज बैक्टीरियम प्रिपेयर टू मल्टीप्लाई वाया लॉग फेज दे स्टार्ट मल्टीपल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियम प्रिपेयर हो जाती है मल्टीपल के लिए लॉग फेज में, दे स्टार्ट मल्टीप्लाई, ये इस मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार्ट हो जाती है। द लॉग फेज रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल मास, जो लॉग फेज है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स का। एट द एंड ऑफ लॉग फेज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द कल्चर मीडियम गेट एक्सिकस्ट, जो एंड पॉइंट होता है लॉग फेज का, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट किया जाता है कल्चर मीडियम के लिए। स्टेशनरी फेज क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द ग्रोथ स्लो, जब
स्टेशनरी फेज में पहुंच जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट हो गया स्टेशनरी फेज, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ हो जाती है वो स्लो हो जाती है डाउन, बिकॉज द एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन टॉक्सिक्स, जो एक्युमुलेशन होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट में हो जाती है, टॉक्सिक्स में निकल जाती है। एट स्टेशनरी फेज ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट बिटवीन द नंबर ऑफ सेल्स डाइंग एंड द सेल्स डेट आर न्यूली फॉर्म्ड, जो स्टेशनरी फेज है बैक्टीरिया एग्जिस्ट करती है बिटवीन द नंबर ऑफ सेल्स में डाइंग होती है एंड सेल्स डेट आर न्यूली फॉर्म्ड, न्यू सेल फॉर्म्ड हो जाती है। थर्ड में क्या है, एट दिस फेज न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द कल्चर मीडिया गेट एग्जिस्ट टॉक्सिक प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स आर एक्युमुलेशन ड्यू टू व्हिच फर्दर ग्रोथ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स आर नॉट ऑकर, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होते हैं कल्चर मीडियम गेट एग्जिस्ट करते हैं टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर एक्युमुलेशन, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं ड्यू टू व्हिच फर्दर ग्रोथ, जो कि ग्रोथ में यूज होते हैं माइक्रोब्स आर नॉट ऑकर, जो माइक्रोब्स ऑकर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, डेथ डिक्लाइंड फेज, जो डेथ और डिक्लाइंड फेज है उसमें क्या होता है, इन दिस फेज नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ सेल्स, इन दिस फेज में, इस फेज में क्या होता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाते हैं मनी डिक्लाइन होने के लिए बिकॉज द डेथ ऑफ सेल्स, जो डेथ ऑफ सेल होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, इट इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट, ये किस लिए होता है, इनका जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है उसका एक्युमुलेशन होने लग जाता है, इसीलिए ये पीरियड में डेथ और डिक्लाइन फेज हो जाती है। आज की वीडियो यहीं तक, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई क्योंकि इसके टॉपिक कुछ ज़्यादा ही हार्ड थे, ठीक है, उनको पूरा करना में थे, उसमें टाइप्स उनके बारे में सब बताना था, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।